कर्नाटक चुनाव में बम्पर जीत के बाद प्रियंका को पीएम बनाने की उठी मांग। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की ओर से बजरंग दल को बैन करने की बात पर जो सियासी विवाद उठा वह अब 2024 तक जा सकता है। बीजेपी ने कर्नाटक में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और उसे बजरंग बली का अपमान कहा। पार्टी ने चुनाव के अंतिम दिन पूरी तरह इसी मुद्दे पर फोकस किया, लेकिन अंत में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। जिस दिन परिणाम आया उसी दिन प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में हनुमान मंदिर में दर्शन करने गयी। अब पार्टी के रणनीतिकार 2024 में बजरंग बली को अपनी सफलता के प्रतीक के रूप में पेश करने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना है कि इससे बीजेपी के हिंदुत्व और राम मंदिर फैक्टर को भी काउंटर किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सभाओं की मांग कई राज्यों में तेजी से बढ़ने लगी है। पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक में आक्रामक प्रचार करने के बाद प्रियंका गांधी चुनाव में पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड मानी जा रही है। पार्टी का मानना है कि प्रियंका गांधी आम लोगों से तो कनेक्ट करती ही है, उनके प्रचार का अतिरिक्त लाभ ये भी होता है कि वह महिला वोटरों से बेहतर तरीके से संवाद कर लेती है। दरअसल हाल में राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को लुभाने के लिए हर महीने पगार देने के अलावा सस्ते सिलेंडर जैसी सुविधाओं का वादा किया। कांग्रेस को लगता है कि ऐसे वादों को महिला वोटरों तक कुशलता से पहुंचाने में प्रियंका गांधी अधिक प्रभावी हैं। यही कारण है कि आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत प्रियंका गांधी ही करेंगी। यहाँ साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी प्रियंका की नियमित रूप से सभाएं कराने की योजना बनाई जा रही है। कुल मिलाकर पार्टी ने संकेत दिया है कि अगले आम चुनाव तक प्रियंका गांधी पूरे देश में सक्रिय रह सकती हैं। वैसे उन्हें लेकर दो सवाल भी उठ रहे हैं। एक तो ये कि क्या इस बार फिर उनकी भूमिका उत्तर प्रदेश तक सीमित की जाएगी, दूसरा क्या प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।